जिनके दर्शन को हर आंख तरसे, शरीर जलता रहा अंगारों पर, आंख से अंगार नहीं बरसे। जी हां, एनआर स्टडी में आपका स्वागत है। कहानी इतिहास की, मेरे साथ, मैं दिनेश निंबावत। हम हर ऐतिहासिक घटना को कहानी के माध्यम से आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करते हैं, ताकि इतिहास को हम सरलता से समझ सके। चलिए आज बात करते हैं जिनकी आज ज्योति ज्योत दिवस है। बात करते हैं सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी की। उनकी शहादत अतुल्य है। मानवता के सच्चे सेवक और धर्म के रक्षक, शांत और गंभीर स्वभाव के स्वामी गुरु अर्जुन देव अपने युग के सर्वमान्य लोकनायक थे, जो दिन रात संगत की, लोगों की सेवा में लगे रहते थे। उनके मन में सभी धर्मों के प्रति अथाह सम्मान था। गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब का संपादन भाई गुरुदास जी की सहायता से किया और रागों के आधार पर ग्रंथ साहिब में संकलित वाणियों का जो वर्गीकरण किया है, उसकी मिसाल मध्यकालीन धार्मिक ग्रंथों में दुर्लभ है। सिख धर्म में सबसे पहले शहीदी पांचवे सिख गुरु अर्जुन देव जी की हुई। शांति के पुंज, शहीदों के सरताज अर्जुन देव जी को मुगल बादशाह जहांगीर ने अकारण ही शहीद कर दिया। सिर्फ शहीद ही नहीं किया, बल्कि गुरु जी को ऐसी यातनाएं दी गई जिसको सुनकर भी हमारी रूह कांप जाती है। विश्व को सर्वत दा भला का संदेश देने वाले तथा विश्व में शांति लाने की पहल करने वाले किसी गुरु को यातना देकर शहीद कर देना ही मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। गुरु अर्जुन देव जी का प्रकाश यानी जन्म 15 अप्रैल 1563 को गोविंदवाल साहिब में हुआ। गुरु का पालन पोषण अमरदास जी जैसे गुरु तथा बाण बुद्धा जैसे महापुरुषों की देखरेख में हुआ। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाने का काम भी अर्जुन देव जी ने पूरा करवाया। गुरु अर्जुन देव जी बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव के और पूजा भक्ति करने वाले थे। आपके बाल्यकाल में ही गुरु अमरदास जी ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक बहुत वाणी की रचना करेगा। गुरु जी ने कहा था, दोता वाणी का बहुता। गुरु जी ने सदैव अपने सिखों को परमात्मा पर विश्वास, भरोसा रखने तथा सर्वसांझी बातता का संदेश दिया। बात करते हैं अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांगीर बादशाह बना, तो गुरु जी के भाई प्रतिचंद ने उससे नजदीक या बढ़ाना शुरू कर दी। जहांगीर गुरु जी की बढ़ती लोकप्रियता को पसंद नहीं करता था। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि गुरु अर्जुन देव जी ने उसके भाई खुसरो की मदद क्यों की। जहांगीर ने अपनी जीवनी तुझु के जहांगीर में स्वयं भी लिखा है कि वो गुरु अर्जुन देव जी की बढ़ रही लोकप्रियता से हाथ था, इसलिए उसने गुरुजी को शहीद करने का फैसला कर लिया। और गुरुजी को शहीद किस तरह से किया, और आज के संदर्भ में उस संदर्भ में देखा जाए तो हमारी रूह तक कांप जाती है। जहांगीर के आदेश पर 30 मई 1606 ईस्वी को श्री गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर में
भीषण गर्मी के दौरान यासा वो सियासत कानून के तहत लोहे के गरम तवे पर बिठाकर शहीद कर दिया। यासा वो सियासत के अनुसार किसी व्यक्ति का रक्त धरती पर गिराए बिना उसे यातनाएं देकर शहीद कर दिया जाता है। गुरु अर्जुन देव जी के शीर्ष पर गरम गरम रेत डालने पर जब गुरु जी का शरीर बुरी तरह से जल गया तो उन्हें ठंडे पानी वाले रावी नदी में नहाने के लिए कहा गया और रावी नदी में भेजा गया, जहां गुरु अर्जुन देव जी का शरीर रावी में विलुप्त हो गया। तो ये एक कहानी थी सिखों के पांचवे गुरु अर्जुन देव जी की। जहांगीर के अमान्य यातना से अर्जुन देव जी ने अपनी देह त्याग दी और अमर हो गए हम सब के बीच। नमस्कार दोस्तों, कहानी इतिहास की मैं बस आज इतना ही। आपके बीच लाइव वीडियो के माध्यम से यह मेरा पहला वीडियो है कहानी इतिहास की, और इसके साथ बहुत सारे ज्योग्राफी के कंटेनमेंट भी मैं लेके आ रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षा जगत से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात आप तक पहुंचा दी जाएगी। नमस्कार, इजाजत दीजिएगा।